विनिंग ग्रोथ लाइफ कंपनी का पुलिस ने किया भंडाफोड़, कंपनी के ओनर सहित कई को किया गिरफ्तार। रामपुर विश्व हिंदू महासंघ के संभाग प्रभारी संजय गुप्ता के कार्यालय पर आज सुबह युवक पिथौरागढ़ के निवासी ने शिकायत में बताया कि विनिंग ग्रोथ लाइफ कंपनी में हम काम करते हैं, हमारे साथ ठगी की जा रही है और हमें एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। इस कंपनी में और भी लोग काम करते हैं, विनिंग ग्रोथ लाइफ कंपनी के नाम से हमसे पैसे भी जमा करा लिए हैं और अब हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, जहां एक कमरे में सभी को बंद करके रखा जाता है और सभी से कंपनी के नाम पर ठगी की जा रही है। युवक की शिकायत को सुनने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के संभाग प्रभारी संजय गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन्स कोतवाली पहुंचे, जहां सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलते ही विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं और पुलिस बल आगापुर रोड पर एक बिल्डिंग में पहुंचे, जहां पर पहले से ही लगभग 200 लोग जमा थे, जिसमें 5 लड़कियां भी मौजूद थीं। विनिंग ग्रोथ लाइफ के नाम से एक कंपनी फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी, जिसमें लोगों की ज्वाइनिंग सुविधा शुल्क लेकर की जाती थी। यही सभी लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ते थे। इसके बाद सभी कैंडिडेट से ज्वाइनिंग के तौर पर 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक वसूलते थे। विनिंग ग्रोथ लाइफ कंपनी चलाने वाले बिहार निवासी सलमान सहित अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जल्द ही इस कंपनी का पर्दाफाश किया जाएगा। अन्य लोगों को पुलिस की मदद से सकुशल उनके घर भेजने की प्रक्रिया जारी है। ये चिटफंड कंपनियों के नाम से एक कंपनी चला रहे थे, जिसमें WGM करके उसमें लड़के लड़कियों को बाहर से बुलाते थे, उनका शोषण करते थे, उन्हें हर तरीके से हनिष्ट किया जाता था, ना उन्हें पैसे दिए जाते थे, परेशान किया जाता था, उन्हें आश्वासन दिया जाता था कि हमको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन परेशान होकर कुछ 5-6 लड़के मेरे पास आए, जिनके तहत कार्रवाई कराई गई। जब जाकर देखा तो वहाँ गोदाम पर पहुँचे तो कम से कम जहाँ इनका ऑफिस बना रहा था 1500-1500 लड़के और 5 लड़कियाँ जो उस समय मौजूद हैं, लगभग 8-10 लड़कियाँ थीं, जहाँ वहाँ ये इस तरीके का काम चल रहा था, जो लोगों को ठगी एक ठगी का धंधा बना रखा था और एक यौन शोषण भी कह सकते हैं इसको, मानसिक परेशान करना। पुलिस ने मौके पर पहुँच के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 20-25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CO साहब उसकी जाँच में लगे हुए हैं, अभी कार्रवाई जैसी भी जाँच की बात। तो बाकी के जो लोग हैं, क्या उनको सकुशल घर भेजने की प्रक्रिया चल रही है? जी, बाकी लड़की और लड़के जो अपने अपने घर जाना चाहें तो उनको संघ की तरफ से भेजने की व्यवस्था की। तो मुख्य आरोपी कौन निकला इसमें, कौन था ये मुख्य आरोपी? कौन था इसका जो मुखिया है, उसका नाम जो आ रहा है वो सुल्तान कुरैशी का लड़का का नाम सामने आया, सरफराज कुरैशी का नाम सामने आया। तो क्या ठगी का काम करते थे वो? ये सब ठगी का, और ये अरे ये कहिए क्या नहीं होता था, टोटल फ्रॉड। मैं तो ये भी सकता हूँ, शायद अभी फला नहीं जाकर पुलिस में, यौन शोषण वगैरह का भी धंधा खूब खुलेआम चल रहा था। पुराने काम कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं ट्रेनिंग लगाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो कुछ अलग तरीके से बोल के बुलाते हैं, जैसे जॉब देंगे ये वगैरह, ऐसा अगर बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पहले बोर्ड पढ़ा देते हैं कि देखो यहाँ पर हमारा जॉब नहीं होता है, हम बिजनेस करते हैं, आपको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ट्रेनिंग में हम आपको फिर ट्रेनिंग में बताते हैं 4 दिन में कि यहाँ पर हम जॉब नहीं देते हैं, हम यहाँ बिजनेस करवाते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करके काम कर सकते हैं, और यदि आप परचेज कर भी लिए हैं और आप पैसा दिए हैं। पैसा कितना लेते हो पर कैंडिडेट से तुम? पहला ज्वाइनिंग करने का फ्री होता है 4, दूसरा 8,000 होता है, तीसरा 32,000 प्लस GST होता है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी बोलती है। कितने बंदे काम करते हैं तुम्हारे यहाँ पे? अगर आप काम नहीं करना चाहते कंपनी बोलती है प्रोडक्ट दीजिए और पैसा ले लीजिए। कितने बंदे काम करते हैं यहाँ पे? अभी लगभग 100-125 लोग काम करते हैं। तुम्हारा क्या पद है इसमें? तुम्हारा पद क्या, डेग्नेशन क्या है? मैं इसमें 41% रहता हूँ। नाम क्या है? अर्शद नाम। कहाँ के हो? बिहार से। नहीं समझ में आया सर, बता रहे थे गारमेंट एसेसरीज का काम है। अच्छा, 8,000 रुपया हम दिए थे सर। किसको? यहाँ पे ऑफिस में दिए थे 8,000।
कहाँ के हो आप रहने वाले? गोरखपुर से हैं सर। अच्छा, तो 8,000 रुपये आपने जमा किए थे, क्या बोला था आपको ये? बोले थे बिजनेस करने को मिलेगा, लेकिन 15 दिन हो गया अभी तक हमको समझ में नहीं आया, इसके लिए हम कल घर जाने वाले हैं। तो आज यहाँ पुलिस आई है, कुछ लोगों को उठाया है, क्या लगता है गलत है फ्रॉड है ये फैक्ट्री? हमको नहीं समझ में आया सर, हमको तो ये बिजनेस ही नहीं समझ में आया, इसके लिए हम कल घर जाना चाहते थे, आज आए थे अपना। पैसे आपने 8,000 किसको दिए? नाम? नाम ने ऑफिस में हुआ था, अकाउंट में ट्रांसफर। किस नाम से ट्रांसफर किए थे? विनिंग ग्रोथ लाइफ ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का क्या नाम है, कौन सी कंपनी? फैशन इंडस्ट्री कंपनी है, विनिंग ग्रोथ लाइफ ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसलिए यहाँ पर हमने ये कि हाँ सेटिस्फाई किया गया, मोटिवेट किया गया, देन हमने जाके चीज़ें मैंने पैनल पे भी सर्च किया, तो तब जाके मैंने इस चीज़ को इन्वॉल्व किया और यहाँ बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। कितने लोग काम करते हैं इस कंपनी में? यहाँ इस कंपनी में ऑलमोस्ट 200 अबव होंगे यहाँ पर, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ। आपने क्या मंथली कुछ जमा किया है, पैकेज वगैरह कुछ? 38,000 यहाँ पर मुझसे लिया गया कि ओनली 5% को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने फिर यहाँ पर इस चीज़ को ज्वाइन किया। किसने लिया था, एचआर का नाम क्या है? एचआर का नाम यहाँ पे एक हैदर जी है, मार्क्यूस जिसे यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ के एमडी है। आपने पेमेंट किनको जमा किया था? आपने पेमेंट किसको जमा किया था? पेमेंट मैंने यहाँ पे कंपनी का जो पैनल है ना, वहाँ पे कंपनी में थर्टी था, वहाँ पर जाकर दिया। कहाँ के हैं आप? मेरे को 2-3 मंथ्स हो गए हैं सर। कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली से बिलोंग। एचआर कहाँ के? एचआर यहाँ के, एचआर बिहार के।